राजधानी रायपुर में लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में आए दिन कोई ना कोई लूट का शिकार होता है। उसका ताजा मामला शहर के सिविल थाना क्षेत्र घड़ी चौक का है, जहां घड़ी चौक के पास डॉक्टर सौरभ वानखेड़े से दो युवक पीने के लिए पानी मांगने के बहाने गले की चेन छीनकर फरार हो गए, जिस पर डॉक्टर सौरभ वानखेड़े की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर अपराध दर्ज किया गया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत घड़ी चौक के पास प्रार्थी डॉक्टर सुरेंद्र वानखेड़े जो है वो ऑटो से उतर कर खड़े थे। इतने में दो युवक आए और पानी पीने के लिए पानी मांगा, तो उन्होंने अपने बॉटल से पानी दिया और उन्होंने उसके बाद उन दोनों लड़कों ने पानी पीकर बॉटल वापस करते हुए उनको धक्का देकर गिरा दिया। उस ऋषि के बीच उनका जो चैन सोने की चैन गिरी तो उसको उठा के लेकर चले गए। इस प्रकार वो डॉक्टर सुरेंद्र वानखेड़े की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में धारा 379-356 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया।